Hey, good morning guys. Hope you guys are doing absolutely fine. So this is the second day in Mahabaleshwar. We are staying in Mount View Executive, as you know. And रात को थोड़ा बहुत problems हुआ था, but then I'll explain that later. अभी आज का plan जो है, we'll get ready. I'll go down for a coffee, or maybe I'll tell them to get me a coffee. Then we'll check out the room. We'll have the breakfast somewhere outside after we go to the Mahabaleshwar temple. भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद then हम लोग breakfast वगैरह करेंगे and then we'll head for the next destinations, and once we complete our visits in Mahabaleshwar, then probably we'll start to Pune. I must admit the view is mesmerizing, and the kind of view you get from the hotel, from the balcony, that is really good, and that is mesmerizing. Had this point been open to the common public, this definitely would have been a most popular point in Mahabaleshwar. So there was no response for the coffee call from the room, so I thought let me just go down and see if I can get a coffee. हेलो, एनीबडी इज देयर? भैया कोई है क्या? हेलो भैया, कोई है? कोई नहीं यार. होटल तो मस्त है. लेट इट बी द व्यू एंड द होटल इटसेल्फ बाय द आर्किटेक्चर एंड ऑल दिस थिंग्स आर रियली ग्रेट. But I must say, there is a huge shortage of the staff in the hotel. तो हम लेट तो हो रहे हैं, but by the time we get hold of somebody, तो थोड़ा बहुत टाइम पास करना बनता तो है. But actually saying, we just wanted to leave the hotel ASAP, then explore the places, because today is the day which is left out for us, and we want to go to Pune today itself. So by the time these guys are getting ready, we thought let's just warm up a bit and do a bit of time pass till I get a coffee and get going. Despite of all these things, I actually do not want to leave from the balcony looking at the view. Look at this. तो काम हो गया अपना. टेबल टेनिस खेलते हुए अपने को कॉफ़ी भी मिल गए. चलो भैया, अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, तो वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम द होटल एंड अभी स्ट्रेट मोस्टली विल गो टू द महाबलेश्वर टेम्पल, देन प्रॉब्ली विल एक्सप्लोर अदर प्लेसेस. तो ये है भैया. हाय हाय. तो चेकआउट करने के बाद हम निकल पड़े हैं महाबलेश्वर टेम्पल. पहले भोलेनाथ का दर्शन करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, एंड आफ्टर ऑल दिस थिंग्स देन प्रॉब्ली विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द specific points like your kids point, then author's point, then few other things are there. Of course, we'll try to cover the Mapro Garden as well. So hum ja rahe hain jungle ke beechon beech with heavy rainfall. Barish to jhamajham hai.
तो यहाँ से शायद टिकट लेना पड़ेगा एंड आई मस्ट अप्रिशिएट द गाइस इन दिस काइंड ऑफ रेन पीपल आर डूइंग देयर ड्यूटी. राइट टर्न लेना है. राइट टर्न लेके वी हैव नाउ रीच्ड इन महाबलेश्वर पार्किंग. इधर है अपना ग्रुप. चलो अंदर चलते हैं एंड दर्शन करके आते हैं. तो जय भोलेनाथ. जय भोलेनाथ. सो गाइज भोलेनाथ का दर्शन एकदम बढ़िया से हो गया बट कैमरा वॉज नॉट अलाउड सो आई कुड नॉट रिकॉर्ड द इनसाइट बट देन दर्शन तो अच्छे से हुआ. And this area is called Panchganga. So basically ये पांच नदियों का संगम है. So that is how the name has come out. भोलेनाथ का दर्शन एकदम बढ़िया से हो गया एंड राइट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अथुर्स पॉइंट. नाउ वी कुड नॉट फाइंड अ गुड रेस्टोरेंट टू हैव आर ब्रेकफास्ट सो वी हैव मेड सम इंडियन जुगाड एंड नाउ वी आर गोइंग टू अथुर्स पॉइंट. सो गाइज विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो है बट देन आई थॉट इट बी अ गुड आइडिया टू कैप्चर द एक्सपीरियंस. बारिश बहुत ज़्यादा है एंड वी आर ड्राइविंग थ्रू द फॉरेस्ट काइंड ऑफ सिचुएशन बट मज़ा आ रहा है. बहुत मुश्किल है. मिस नहीं कर सकते हम लोग तो जाना ही पड़ेगा. बहुत मुश्किल में जा रहे हैं. पूरा भीग गए हैं जींस वगैरह सारा फिर भी जा रहे हैं. तो रेनकोट्स डाल लिया हमने. तो मक्के की मजे लेते हुए भैया के यहाँ से ले रहे हैं. भैया अच्छे चलो आगे चलते चलो.
ऐसा एक्सपीरियंस तो यार याद ही रहने वाला है. दिस इज अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस. तो कुछ नहीं दिख रहा है. आप इधर देखो मुखी. दिस इज इको बोर्ड. लेकिन बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है. क्या देखे फिर? इसे कहते हैं पैशन फॉर फोटोग्राफी. तो हो गया अपना ऑथोस पॉइंट घूम लिया हमने. बट मतलब ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा पॉइंट्स कवर नहीं किया. बट द एक्सपीरियंस इज अल्टीमेट आई शुड से. Right now we are heading towards Vienna Lake. Let's see how the lake looks like in this heavy rain. ये Vienna Lake है, but कुछ भी unfortunately कुछ भी visible नहीं है. Fog पूरा है, foggy है, complete fog. तो यहाँ पे कुछ भी visible नहीं है. बहुत सारा traffic तो है, लेकिन विजिबिलिटी जीरो है. फिर भी कोई है जो बोटिंग कर रहा है ये मौसम में भी. Vienna Lake हो गया अपना. तो अभी लंच करके फिर निकलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ. तो अभी लंच भी हो गया अपना. Right now we are heading towards Mapro Garden and most probably that's going to be our last stop. Then तो अभी हम आ गए Mapro Garden में. This is one of the famous place in Mahabaleshwar. Most of the people who visit Mahabaleshwar typically they try to visit here as well. So if you see they have all the arrangements not only for ये basically Mapro Garden एक strawberry farm है and create products like the derivative products from strawberry. तो juice then other fruit based product जो रहता है वो सब यहाँ पे बनता है from their own farmhouse. So that is what they call it as Mapro Garden. तो ये इनका strawberry based खाकरा factory है. तो रेडीमेड खाकरा मिलता है, दुकान में मिलता है. So that is basically made from here. ये एक छोटा सा playing area बच्चों के लिए बना हुआ. ये है इनका रेस्टोरेंट जहाँ पे आपको खान पान जलपान थोड़ा बहुत कर सकते हो आप. ये है इनका स्ट्रॉबेरी फार्म. तो टिपिकली अगर क्लाइमेट वगैरह अच्छा रहता है तो दे लेट यू गो देयर. यू कैन आस्क देम, यू टेक द परमिशन एंड यू कैन गो देयर. बट अभी वैसे देखा जाए तो फार्म के अंदर स्ट्रॉबेरी है ही नहीं. आई थिंक दे हैव जस्ट प्लांटेड. हाँ फार्मिंग, बट अभी शायद एक प्लांटेशन हुआ है क्योंकि वैसे बड़े. हाँ हाँ अभी प्लांटेशन किया है शायद अभी. तो उधर भी है ना, वो देखो उधर भी है. जहाँ से हम लोग पार्किंग किया ना, जहाँ जहाँ नज़र जाती है वहाँ वहाँ स्ट्रॉबेरी ही स्ट्रॉबेरी अभी नहीं है. तो नवंबर दिसंबर तक आ जाएगा. नवंबर तक आ जाएगा. नवंबर में दे विल अलाउड टू. हां यू कैन टेक द परमिशन एंड गो देयर. तो ये डाइनिंग एरिया है एंड
स्टैंड ओवर देयर, यू सी द काउंटर जहाँ से आपको टिकट लेना है, टिकट नहीं बेसिकली कूपन लेना है, एंड कूपन लेने के बाद देन यू कैन गो टू द अदर साइड एंड कलेक्ट द फूड। ये है इनका, इट्स नॉट अ रेस्टोरेंट बट यहाँ पे सब कुछ मिलता है आपको, जो भी चाहिए इनका प्रोडक्ट्स वगैरह है। It was an amazing experience in Mahabaleshwar this time, monsoon. In addition to the other places, I would definitely recommend Mapro Garden whenever you are coming to Mahabaleshwar, if you are planning for it. Definitely do visit Mapro Garden as well, you'll love it. And yep, so the experiences was wonderful. Thanks for watching the video. Please don't forget to like and share the video and subscribe if you really enjoy the content. Thanks for watching.